देपालपुर में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सोहनलाल परमार ने अपने पोते रुद्राक्ष के जन्मदिन पर संगठन की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए शासकीय उन्नत प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर मनाया। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को पेन कॉपी पेंसिल का वितरण किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के DS बाथम सुधीर चौहान, ध्रुव लता सनम, आभा जैन, प्रेम नारायण पांचाल, शिवलाल यादव, श्यामलाल राठौड़ के अलावा समाज सेवी बाबूलाल दुबे, सुनील सोलंकी, मोहनलाल गंदरवलिया आदि उपस्थित थे। आज हमारे विद्यालय में जैसा कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, उसके उद्देश्य हैं राष्ट्रीय हित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित और शिक्षा हित। ऐसे ही उद्देश्य को लेकर आज मेरा पोता रुद्राक्ष का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में हम परिवारों ने निर्णय करा कि जन्मदिन पे जो पार्टियां और अन्य जो खर्च होता है वो नहीं किया जाए और कुछ भी जो है सहायता की जाए, चाहे कोई मंदिर में दान देना हो या विद्यालय में। इसी प्रकार आज मैंने उन्नत माध्यमिक विद्यालय देपालपुर में 160 छात्रों को कापियां, पेन और टॉपी प्रदान की गई और बच्चों को भी संदेश दिया गया है स्कूल के कि वो भी अपना जन्मदिन नहीं मनाए और ऐसा ही कोई रचनात्मक काम करे। ये मेरा जो पोता है रुद्राक्ष परमार, उसके जन्मदिन पर मैंने यह आयोजन करके बच्चों को कापी, पेन और टॉपी प्रदान। सोहनलाल परमार, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य शिक्षक संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदसौर जिले के दलो